तो मैं यह कह रहा था कि हजरत ये जो बात है कि दुनिया से मोहब्बत जो है बहुत खतरनाक, मेरा अपना एक शेर है कि जो कुछ दिन अल्लाह वालों की सोहबत में रह लेता है, और कैसे मालूम हो कि अल्लाह वाला है, उस सदी के उस जमाने के उलमा और फजला भी उससे नेक गुमान रखते, और फिर वो किसी बुजुर्ग की सोहबत याफ्ता भी हो, अपनी तरबियत भी किसी से कराया हो, उसने पहले मुरब्बा बना हो फिर मुरब्बी बना हो। बाद लोग तरबियत नहीं कराते किसी अल्लाह वाले से, मगर चाहते हैं फौरन मुरब्बी बन जाए। आप समझ लीजिए, एक साहब एक गुरु ने कहा किसी से कि एक गुरु से किसी चेले ने कहा, गुरु कहते हैं उस्ताद को, चेला कहते हैं शागिर्द को, कि चेले ने कहा हम गुरु जी मुझे अपना चेला बना लो। शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, गुरु ने क्या जवाब दिया, अरे मियां चेला बनना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं शागिर्दी करना। तो उस शागिर्द ने क्या कहा, गुरु जी फिर मुझे अपना उस्ताद ही बना लो, गुरु बना लो, जब चेला बनना मुश्किल है तो फिर अपना गुरु बना लो, ये आसान है। तो आजकल गुरु बनना आसान है कि फौरन मदरसे से निकलते ही हर सब चाहता है कि मैं गुरु और उस्ताद बन जाऊं, मुरब्बी बन जाऊं, शेख बन जाऊं। अरे कुछ दिन तक अल्लाह वालों की जूतियां उठाओ, नफ्स को मिटाओ, नफ्स का के अंधेरे और उसके मिटाओ, और अल्लाह वालों की जूतियां उठाओ, रगड़े खाओ, जब दिल आईना बनेगा इंशाल्लाह फिर देखना फिर क्या मजा आता है। कुछ न पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल, कुछ न पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल, आईना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल। शेर है। तो मैं कर रहा था कि कुछ दिन सोबत अहलुल्लाह उठाने के बाद दोस्तों मैं एक बात अर्ज करता हूँ, आप मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को, मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को, हकीमुल उम्मत मुजद्दुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नबर अल्लाह कदो को कितना बड़ा आलिम समझते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश इन्हीं तीनों बुजुर्गों के नाम से आज तमाम दारुल उलूम बड़े बड़े मदरसे सारे उलमा का इल्म इन्हीं की ड्यूटियों का सत्कार। कितना इल्म था इन हजरात के पास, 1500 किताबें हकीमुल उम्मत ने लिखी हैं, और मुफ्ती शफी मुफ्ती आजम पाकिस्तान मारिफुल कुरान तफसीर का मुसन्निफ, वो उनसे जाकर बैत हुआ, मौलाना जफर अहमद उस्मानी, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, मौलाना सैयद सलेमान नदवी, और बड़े बड़े उलमा जाकर हजरत से बैत हुए। लेकिन इन तीनों आलिमों ने क्या किया, जब देवबंद से फारिग होकर के इन उलमा ने इनके उलूम ने इनको किस मुकाम पर कैसे पहुंचाया, मैं जरा बताना चाहता हूं। इन तीनों उलमा ने हाजी इमदादुल्लाह साहब जो आलिम भी नहीं थे, किसी ने पूछा था मौलाना कासिम नानोतवी से कि क्या आपके पीर हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की मौलवी हैं, पर मौलवी तो नहीं है मगर मौलवी गढ़ है, मौलवी बना देते हैं, मौला वाला, मौलवी के लफ्ज मौलवी नहीं है, मूली गाजर तो वही बहुत घटिया चीज है, मीम पर पेश न लगाओ, मौलवी को मूली मत कहो, लफ्ज है मौलवी, जैसे लखनवी, लखनवी माने लखनऊ वाला, मौलवी माने मौला वाला, जरा इसकी लुगत की बेहतर होगी। तो इन बुजुर्गों ने हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत उठाई, हकीमुल उम्मत जिनको आप कहते हैं, ये 6 महीने रहे हाजी साहब की सोहबत में, काबे शरीफ में जाकर 6 महीने रहे, जूतियां उठाई 6 महीने सोहबत में रहे, अंडा जब मुर्गी के पर में रहता है फिर उसमें जान आती, दूर दूर रहे और बगैर सोहबत के जो अंडा होता है, जो मुर्गा और मुर्गी की सोहबत न हो, मशीनी दौर से उसके अंडे आए फार्मी, तो फार्मी अंडे खुद तो वो सब्जी के हुक्म में आ जाते हैं, ताकत भी उनमें कम होती है, साथ साथ उनसे बच्चा नहीं पैदा हो सकता। ये हकीमुल उम्मत तानी रहमतुल्लाह अलैह कमालात अशरफिया में फरमाते हैं, खाकी अंडे यानी ये फार्मी जो है ये इन अंडों से औलाद नहीं हो सकती, आगे फैज नहीं बढ़ सकता है? और जो मुर्गी की सोहबत उठाकर है वो होते हैं उस जो 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 मूर्ख की सोहबत से होते हैं, मशीनी और फार्मी नहीं होते, उनसे आइंदा अगले बच्चे पैदा होते हैं, जिसको यकीन ना है फार्मी अंडे खरीद कर मुर्गी के परों में दबाओ, देखो बच्चा होता है यानी नहीं होता। दरबार तो अल्लाह वालों की सोहबत उठाने के बाद उस आलिम का फैज बढ़ जाता है, उसको एक दर्द भरा दिल अता होता है, जब वो मिंबर पर बैठता है तो जल्जला पैदा करता है। यही दर्द भरा दिल सहाबा ने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया था। ख्वाजा साहब फरमाते हैं जो आग की खासियत वो इश्क की खासियत एक खाना बखाना है, एक सीना बसीना है, आग घर से घर में लगती है, और अल्लाह की मोहब्बत की आग जो है सीनों से सीनों में लगती है, सीने नबूवत से सहाबा के सीनों में आई और सहाबा के सीनों से ताबीन में आई, आज उसी तरह से यह मुंतकिल होता चला रहा है।
حاجی ثناء اللہ پانی پتی جو تفسیر مظہری کا مصنف ہے, محصر عظیم ہے, شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, فرمایا کرتے تھے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی محدث عظیم اپنے وقت کا امام بیہقی ہے. امام بیہقی بہت بڑے محدث گزرے ہیں. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک فقہ کی کتاب انہوں نے لکھی ہے اور تفسیر مظہری لکھی ہے. کیونکہ ان کے پیر کا نام مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ تھا, اپنا نام مٹا دیا. آج ہر شخص کو دیکھو اپنا نام دیکھو, اس شخص کی فنائیت کو دیکھو کہ اتنے بڑے عالم تفسیر مظہری لکھی اور نام اس کا رکھا تفسیر مظہری. نام کیا تھا مصنف کا؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی. تو یہ ایک کتاب فقہ کی لکھی جو آج مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. آخر میں لکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو فقہ ظاہری کے احکام پڑھ لیے کہ مغرب کی 3 رکعت ہے, عشاء کی 4 رکعت ہے, فجر کی 2 رکعت ہے, یہ سب احکام تو آپ نے سیکھ لیا. اما نور باطن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا جو نور باطن ہے یہ تو احکام ظاہر آپ نے پڑھ لیا کتابوں میں, لیکن نور باطن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السینہ درویشہ باعث جس کو اللہ والوں کے سینوں سے تلاش کرتے.